हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। बहुत सारे महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, वो हमेशा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है या नहीं। और इसके अलावा बहुत सारे महिलाओं को PMS भी होता है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड आने से पहले उनको प्रेगनेंसी जैसा लक्षण दिखता है। और वो सारे महिलाएं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन आने के या फिर पीरियड्स आने के लक्षण है या फिर प्रेगनेंसी का लक्षण है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में पूरे डिटेल्स में। पहले तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में, लेकिन आज हम जानेंगे कौन से सारे लक्षण जो मिस्ड पीरियड के पहले यानी कि प्रेगनेंसी के 2 से 4 हफ्तों में दिखता है, और कौन से सारे लक्षण हैं जो कि पीरियड मिस होने के बाद दिखता है, यानी कि आपके 5th वीक से वो सारे लक्षण आपको दिखने लगता है जब आपका पीरियड मिस हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड को 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, पहला है ओवुलेशन के पहले और दूसरा है ओवुलेशन के बाद। तो ओवुलेशन के पहले जो 2 हफ्ते होते हैं उनमें तो कोई प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं दिखता है। जब आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के मिडिल में, यानी कि आपके पीरियड्स के लगभग 14 से लेकर 16 दिन के अंदर आपका ओवुलेशन होता है, अगर आप उस दौरान रिलेशन में रहते हैं और आपका एक फर्टिलाइज्ड होता है, तो उसके लगभग 6 से 12 दिन के अंदर आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, और तभी से ही आपके शरीर में जो प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वो बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ प्लासेंटा भी एक हार्मोन रिलीज करने लगता है जिसको कि हम HCG हार्मोन यानी कि ह्यूमन कोरोनरी गोनाड्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। तो इन हार्मोन की वजह से आपके शरीर में तरह तरह के प्रेगनेंसी सिम्टम दिखते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के जो कि आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखने लगते हैं। जनरली हम पीरियड मिस होने को यानी कि मिस्ड पीरियड को प्रेगनेंसी का पक्का लक्षण मानते हैं, लेकिन कभी कभी पीरियड डिले भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है पीरियड मिस हो जाता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं ठहरता है। तो पहले हम जानते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले यानी कि प्रेगनेंसी के 2 से लेकर 4 हफ्तों के बीच में आपको कौन से लक्षण दिखते हैं। तो उनमें से पहला है रेस्ड बॉडी टेम्परेचर। जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है यानी कि शरीर का जो तापमान है तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। अगर इस ओवुलेशन पीरियड में आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है यानी कि आपके एक के साथ स्पर्म भी मिल जाता है, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है वो वैसे ही बढ़ा हुआ रहेगा, और आपको पीरियड आने तक भी लगेगा कि फीवरिस या फिर थोड़ा बुखार जैसा लगेगा। ये एक पक्का साइन होता है कि आपने कंसीव कर लिया है। दूसरा जो साइन होता है वो है स्मेल सेंसिटिविटी। अगर आपका गर्भ ठहर गया है या फिर आप कंसीव कर लिए हैं तो आपका जो स्मेल है वो हाइटेन हो जाएगा, और ये बहुत सारे महिलाएं नोटिस करते हैं कि अचानक उनका जो स्मेल सेंसिटिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे महिलाएं तड़के के स्मेल को या फिर राइस उबलने के स्मेल को या फिर कुछ अलग अलग स्मेल को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तीसरा जो साइन है जो कि पीरियड मिस होने से पहले पक्का आपको नजर आएगा अगर आपने कंसीव कर लिए हैं, वो है ब्रेस्ट में चेंजेस। अगर आपने कंसीव कर लिए हैं तो आपके ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत दर्द होने लगेगा, और खासकर आपके निपल का जो एरिया है वो बहुत ही डार्क होने लगेगा, एरियोला का जो चौड़ाई है वो भी चौड़ा होने लगेगा, और उसमें छोटा छोटा जो बम्स है वो भी उभर के आने लगेगा, और ये एक पक्का साइन माना जाता है प्रेगनेंसी। चौथा जो साइन है वो है फैटिक। अगर आपने कंसीव कर लिए हैं तो अचानक से आपको बहुत ही थकान लगेगा। पहले तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं फिर भी आपको इतना ज़्यादा थकान नहीं होता है, लेकिन जब आप कंसीव कर लेते हैं तो अचानक से आप में थकान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत काम करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आलस अनुभव होगा और बहुत ही ज़्यादा फैटिक महसूस होगा। पांचवा जो लक्षण है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये भी एक कन्फर्मेटरी साइन माना जाता है प्रेगनेंसी का। जनरली ये आपके जो ओवुलेशन है उसके 6 से 12 दिन के अंदर, यानी कि अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ लगभग 28 से लेकर 30 दिन का है तो आपके पीरियड साइकिल के लगभग 26 से लेकर 28 दिन के अंदर, यानी कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है उसके जस्ट 2-4 दिन पहले, आपको स्लाइटली पिंकिश या फिर ब्राउनिश ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। और ये जो स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग ये बहुत ही तेज नहीं होता है, इसमें क्लॉट्स नहीं आता है, और साथ ही साथ ये कंटिन्यूस फ्लो भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होकर रुक जाता है, और ये जो स्पॉटिंग ये 1-1.5 दिन के लिए चलता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द भी महसूस हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। छठा जो लक्षण है वो है सर्वाइकल म्यूकस। जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपका जो सर्वाइकल म्यूकस उसमें भी चेंजेस आने लगता है। ओवुलेशन के दौरान आपके सर्वाइकल म्यूकस में बढ़ोतरी आता है, और आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको स्ट्रेची होने लगता है और एग व्हाइट की तरह होता है। अगर इस दौरान आप कंसीव कर लेते हैं, ये सर्वाइकल म्यूकस वैसे ही रहता है यानी कि थोड़ा बहुत मिल्की व्हाइट हो जाता है, और ये सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
जनरली ओवुलेशन के टाइम पर सर्वाइकल म्यूकस में बढ़ोतरी होता है। अगर आपने कंसीव नहीं किया है या फिर आपका एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये सर्वाइकल म्यूकस धीरे धीरे कम होने लगता है और पीरियड आने तक थोड़ा बहुत ड्राई होने लगता है। लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिए हैं तो आपको मिल्की व्हाइट टाइप का डिस्चार्ज होने लगता है और सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये भी एक पक्का साइन माना जाता है कि आप शायद आपने कंसीव कर लिया है। नंबर 7 पर जो लक्षण है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये भी पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखाई देने लगता है। अगर आपने कंसीव कर लिए हैं तो आपका जो शरीर है वो बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के वजह से ब्लड फ्लो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब करने को दिल करता है। साथ ही साथ आपका बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगता है। ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन के वजह से होने लगते हैं यानी कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। कभी कभी बिना वजह से आपको रोना आ सकता है, कभी कभी बिना वजह से आपको हंसना आ सकता है, या फिर कभी कभी बिना वजह के ही आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं और ये सारे लक्षण आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देने लगते हैं। तो ये तो क्या वो सारे लक्षण जो कि पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखाई देने लगते हैं। अभी हम जानते हैं कि अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है और आप प्रेग्नेंट है तो उसके बाद आपको कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उनमें से पहला लक्षण है मिस्ड पीरियड यानी कि आपका पीरियड मिस हो जाएगा। दूसरा जो लक्षण है वो है ब्लोटिंग। प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से आपके शरीर में ब्लोटिंग यानी कि आपका पेट हमेशा फुला हुआ, आपके पेट में गैस भरा हुआ लगेगा, आपका डाइजेशन जो है वो भी स्लो हो जाएगा। ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही होता है। तीसरा जो लक्षण है वो है हार्ट बर्न और इंडाइजेशन। ये मिस्ड पीरियड के बाद आपको महसूस होने लगेगा। अगर आपने कंसीव कर लिए हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा और आपको एसिड रिफ्लक्स होने लगेगा। इसीलिए आपको सीने में जलन और इंडाइजेशन यानी कि बदहजमी का भी शिकायत हो सकता है। चौथा जो लक्षण है वो है मॉर्निंग सिकनेस और नॉजिया। अगर आपने कंसीव कर लिए हैं तो पीरियड मिस होने के बाद आपको मॉर्निंग सिकनेस महसूस हो सकता है, आपको नॉजिया सेस महसूस हो सकता है यानी कि आपको उल्टी उल्टी जैसा लगेगा। जनरली ये जो मॉर्निंग सिकनेस और नॉजिया है ये आपके 5th week या फिर 6th week के मिडिल में ही आपको महसूस होने लगता है। पांचवा जो लक्षण है वो है फूड एवर्शन जो कि मिस्ड पीरियड के बाद ही आपको फील होने लगता है। इसमें क्या होता है ना, आपको कुछ फूड अचानक से पसंद आने लगेगा और जो फूड या फिर जो खाना पहले से आपको बहुत ही पसंद होता था अभी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। इसीलिए आपका टेस्ट में चेंजेस आने लगेगा जिसको कि हम फूड एवर्शन बोलते हैं। कई कई महिलाओं को कुछ अजीब गरीब चीज़ों भी खाने को भी दिल करता है जैसे कि चौक मिट्टी या फिर कुछ ऐसे ही चीज़ उनको भी खाने को दिल करने लगता है, इसको हम फूड एवर्शन बोलते हैं। ये पीरियड मिस होने के बाद ये लक्षण आपको दिखने लगता है। और लास्ट में जो लक्षण है वो है एक्सेस सालाइवा। अगर आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपको एक्सेस यानी कि आपके माउथ से एक्सेस लार निकल सकता है। ये भी हार्मोन चेंजेस की वजह से ही होता है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको मिस्ड पीरियड के बाद दिखाई दे रहे हैं तो इसका पक्का चांस है कि आपने इस महीने कंसीव कर लिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक क्लियर कट आइडिया जरूर लग गया होगा कि अगर आप कंसीव करते हैं तो पीरियड मिस होने से पहले आपको कौन से लक्षण दिखने का चांस है और पीरियड मिस होने के बाद आपको कौन से लक्षण दिखने का चांस है। बहुत सारे महिलाएं पीएमएस के सिम्टम्स और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसको आप एक साइन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है ब्रेस्ट में चेंजेस। पीएमएस से पहले भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है और प्रेगनेंसी से पहले भी आपके ब्रेस्ट में दर्द होता है, लेकिन पीएमएस में पहले आपके जो एरियोला पार्ट या फिर निपल के पार्ट है उसमें कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिए हैं तो आपके जो निपल का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा, उसमें टाइनी टाइनी बम्प्स आने लगेंगे और ये एक बहुत ही पक्का साइन माना जाता है प्रेगनेंसी का, जिसे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पीएमएस है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।